ऑड इवन फॉर्मूले के आज आखिरी दिन, राजधानी की सड़कों पर आज दौड़ेंगी ऑड इवन की गाड़ियां। डीडीसीए मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल और कीर्ति आजाद पर डीडीसीए ने ठोका है 2.5 करोड़ के मानहानि का केस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिनों का मुंबई दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं की करेंगे हौसला अफजाई, छात्रों से मिलने का भी कार्यक्रम। लगान फिल्म के मशहूर गुरन बाबा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, अभिनेता राजेश विवेक ने हैदराबाद में ली आखिरी सांस। लगान, सुदेश, बैंडिट क्वीन समेत कई फिल्मों में निभाई थी यादगार भूमिका। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है भारत, ब्रिस्बेन में हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, और आज जो मकर संक्रांति, क्योंकि कल भी मकर संक्रांति कई जगह मनाई गई है, लेकिन आज भी मूलतः देखा जाए तो मकर संक्रांति है, और आज मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आचार्य जी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो मकर संक्रांति वो मौका होता है जब हम कह सकते हैं कि सही मायने में नव वर्ष की शुरुआत होती है। बिल्कुल कहा जा सकता है, और सूर्य की संक्रांति के साथ ही ढेरों खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान छुपा होता है। देखिये, उदया तिथि में आज ही मकर संक्रांति है, मतलब कल रात में 1 बजे के बाद सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ, तो आज सूर्योदय के बाद जो सूर्य उपस्थित हैं वो मकर राशि में उपस्थित है, तो आज ही आपको सब कुछ विधि विधान से पूजन करना चाहिए, नियमतः। बाकी 14 जनवरी खिचड़ी मकर संक्रांति के रूप में प्रचलित है बहुत दिनों से, तो लोगों ने कल भी मनाया। हमारा दिन आज मूलतः माना जाएगा, और आज को ही लेकर के ध्यान में 4 ऐसे दान की महत्ता हम आपको बताएंगे जहां पर हमारा शोध पूर्ण हो रहा है। 9 ग्रहों को एक ही बार में संतुलित कर दिया जाएगा। एक एक सामग्री में कुछ कुछ ग्रहों को हमने सम्मिलित किया है। क्या है वो सामग्री? आपकी रसोई से है, वस्त्र से है, पाठ्य सामग्री से है, ये एक रहस्य है। उस रहस्य से पर्दा आज धीरे धीरे उतरता जाएगा और आपकी समझ में आएगा किन किन सामग्रियों से किन किन ग्रहों को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए मकर संक्रांति बेहद खास हो जाती है। सूर्य का उत्तरायण भी आज से ही शुरू हो रहा है, तो ये सारी चीजें मिला करके एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ऐसे यूनिक खगोलीय घटना के चक्र में जब हम दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, और जब आप निष्पाप रहेंगे तो उन्नति कौन रोक पाएगा। तो उन्नति पाने के लिए तैयार हो जाइए, सभी ग्रहों को संतुलित करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, किचन पिटारे की चर्चा जरूर करेंगे। अगर आपका बच्चा खाने से जी चुरा रहा होगा तो किचन पिटारे का इंतजार जरूर करिएगा।
जी हाँ, तो किचन पिटारे की तो बात हो गई है, लेकिन लकी अक्षर कैसे भूल सकते हैं। ये तो कैसा अक्षर है जो आपको बहुत लकी बना देता है, पूरे 24 घंटे आपके अनुकूल चलवाता है, और इसे तो आप पाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। लेकिन इसके अलावा, जैसे कि आज हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति है, आज बहुत ही शुभ दिन है, और चार विशेष दान जो है आपके 9 ग्रहों को आपके अनुकूल कर देंगे, बहुत शुभ कर देंगे, तो हम जानकारी आपको देंगे आगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है, किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, लेकर जरूर चलें रक्षा कवच, क्योंकि ये आपको सुरक्षित रखता है। और कुछ ही देर में पता चलेगा आपका राशिफल, आज का दिन कैसा बीतेगा, भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा, इसका भी इंतजार जरूर करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का रक्षा कवच। दही ले लीजिएगा और अपने सर से वार के उल्टा पीपल के नीचे गिरा दीजिएगा, बस एक चम्मच ले लीजिए, छोटा सा, सामग्री का नुकसान ना होने पाए, अपव्यय ना होने पाए, पीपल के नीचे गिराते हुए फिर आप आज के दिन यात्रा का आरंभ करें। और कल दिन शनिवार रहेगा, अशोक के पत्ते के साथ लाल धागा लेकर के किसी कागज में फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, पूरे दिन रहने दीजिए, जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद कहीं बाहर फेंक दीजिएगा, सुरक्षा जरूर रहेगी। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है सक्सेस की देने की, क्योंकि ये आपको दिलवाती है सफलता। तो किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार के लिए अपने घर से आप जाएं तो लेकर जरूर चलें सक्सेस की, ताकि आप जरूर सफलता लेकर आए। आज के दिन कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, जहां पर आपकी सफलता एक मायने रखती है, तो 12 चावल के दाने पीपल के नीचे गिराते हुए निकल जाइए। संख्या 12 की रहेगी, दाने चावल के रहेंगे, कच्चे चावल, ये आज के लिए खास हो गया। कल के दिन एक काली मिर्च सर से वार के पीपल के नीचे रखते हुए रखना है, फेंकना नहीं है, आराम से वहां नीचे रख दीजिएगा एक काली मिर्च का दाना, यह कल के लिए रहेगा, सफलता मिलेगी। जी हाँ, और आचार्य जी, आज मकर संक्रांति है, और ऐसे में सभी को दर्शन करवाते हैं। एक तो हम ले चलते हैं सीधा लखनऊ के गोमती नदी से, जो है हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का मौका है, लेकिन कई जगह पर कल भी मकर संक्रांति जो है मनाई गई है, तो इस समय अगर हम बात करें गोमती नदी जहां पर अभी इस समय आप हैं, तो इस समय का नजारा कैसा है वहां पर, और तौर पर स्नान जो लोगों ने लिया है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। मकर संक्रांति बड़े पूर्ण काल का संक्रांति है, सूर्य मकर में प्रवेश करते थे, पूर्ण काल बनता है, लोग अपने परलोक को सुधारने के लिए नदियों में स्नान करते हैं, खासतौर से गंगा में स्नान करने का महत्व, लेकिन गोमती भी लखनऊ की जीवनदायिनी है, इसको लोग आदि गंगा कहते हैं। पीलीभीत से एक तालाब से निकलती है, जो पहली नदी जो तालाब से निकलती है, जाके गाजीपुर में गंगा में मिलती है, तो कहीं कहीं गोमती का पौराणिक बड़ा महत्व है। लोग देखिए, लोग नहा रहे हैं, अपना पूजा अर्चन कर रहे हैं, हला संक्रांति 2 दिन पड़ गई, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा लोगों में, लेकिन आज भी लोग सुबह सुबह आए हैं, अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गोमती लखनऊ के लिए जीवनदायिनी इस लिहाज से है कि पहली नदी जो शहर को 2 भागों में बांटती है, इसके अलावा बाकी नदियों को क्या हाल नहीं पता, लेकिन गोमती जरूर लखनऊ को जिंदा किए हुए है। भले इसका पानी गंदा है, लेकिन आधा शहर अभी इसी गोमती नदी के पानी पीको जिंदा है। हमारे साथ कुछ धर्म भेरू लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा जी। और देख लीजिए कितने लोग स्नान कर रहे हैं, और कुछ लोग स्नान करके मेरे पास आए हैं बातचीत करने के लिए। मैं बात करूंगा ऋधिक किशोर गौर जी, आप यहाँ गोमती सफाई में जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जरा गोमती के पौराणिक स्थिति के बारे में बताइए। गोमती आदि गंगा कही गई है, गंगा से पहले का अवतरण है आदि गंगा गोमती का, और ये एक विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो एक तालाब और पोखर से निकली है, माधव टांडा से, बाकी सभी नदियां पहाड़ों से निकली हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये तालाब और पोखर से निकली है और 2 भागों में विभाजित करती है ये एक शहर को, और सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो समुद्र में सीप मोती और शंख मिलते हैं वो गोमती मैया में भी मिलते हैं जी। मेरे साथ और बुजुर्ग लोग भी, मैं इनसे बात करूंगा। आपने भी स्नान ध्यान पूजा पाठ किया है, इसकी पौराणिक महत्व क्या है गोमती का, खास तौर से मकर संक्रांति को लेकर? देखिए, जैसा अभी रिद्धि गौड़ जी ने बताया है, ये तालाब से निकली है,
और ये जो रास्ते में तमाम सारी झीलें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इनसे पोषित है और ये गंगा जी में मिल जाती है। और इसका महत्व जो है पुराणों में और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें दिया गया है। इसके कई नाम हैं, धेनुमती है, कहीं कुछ है, और इसके किनारे जो है बहुत सारे धर्म स्थल है, जैसे नैमिषारण्य है, और ये तमाम शहरों से होती हुई करीब 600 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और गाजीपुर के कैथी घाट में गंगा जी से ये मिली हुई है। जी बिल्कुल, गोमती का पौराणिक महत्व है। आप देख सकते हैं लखनऊ में लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या थोड़ी सी आई है नदियों को, जो गंदा हुई है, नदियां अब नहाने लायक नहीं रही हैं, लेकिन जो धर्म भेरू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं इसी में किसी तरह स्नान ध्यान पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो आस्था जुड़ी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, गोमती हो, यमुना हो, इनके सफाई को लेकर भी आज चर्चा होनी चाहिए। चूंकि हम धर्म की बात करते हैं तो कहीं नदियों सफाई भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से शहरों का कचरा इन नदियों में गिर रहा, कहीं कहीं धर्म भेरू लोग इससे खासे नाराज दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां हजारों लोग आते थे अब चुनिंदा कुछ लोग आए हुए हैं। हालात थोड़ा मौसम गंदा है, कोहरे का समय है, धीरे धीरे लोग आएंगे, लेकिन संख्या जरूर कुछ कम दिख रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। पवित्र नदी है गोमती नदी, और कहा भी जाता है मकर संक्रांति पर दान स्नान का विशेष महत्व रहता है। और अभी हम देख भी पा रहे थे कि जो वहां पर लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सबका, हम सबका एक फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि हम नदी को गंदा ना करें। ये पवित्र नदी है, और आज जैसे कि आचार्य जी मकर संक्रांति है, और फिलहाल राघवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आचार्य जी, अभी जैसे कि हमने बात की है मकर संक्रांति, और अभी हम बता भी, आपने भी बताया कि दो दिन जो है लगातार मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन आज मूल रूप से देखा जाए तो आज ही जो है खास जो है मकर संक्रांति का दिन है। तो ऐसे में दान की अगर हम बात करें तो आज संध्या समय पर पहला वो कौन सा दान होना चाहिए ताकि हमारे जो नौ ग्रह हैं हमारे अनुकूल हो जाएं। बिल्कुल, जिस पल ग्रहों का संक्रमण होता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य आत्मा कारक है और समस्त ग्रहों का राजा है, सूर्य के द्वारा ही सभी ग्रह प्रकाशित भी होते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना कि सूर्य का उत्तरायण होना या मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर माँ गंगा का पृथ्वी पे अवतरित होना पौष शुक्ल नवमी के आसपास। अब दो चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सूर्य के द्वारा सभी जब ग्रह प्रकाशित हैं तो हम राजा को ही प्रसन्न करने जा रहे हैं आज, मतलब मूलतः हमें सूर्य को ही फोकस करना है। तो सूर्य एक सात्विक ग्रह है, जब आप दान करते हैं तो विशेष कृपा तो मिलती ही मिलती है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, छलित होते हैं, इसीलिए सूर्य की रोशनी में खुले में स्नान, सरोवर, तालाब, नदी, गंगा माँ अगर बह रही आपके शहर के आसपास तो महाभाग्यशाली हैं आप। आपको भी यहां से दर्शन कराएगा, गोमती का दर्शन आपने किया आज, कल आपने गंगा का किया था। आज पहला दान क्या करें आप, जिससे दो खास ग्रह पहले दान से हम शुभ कर देंगे, वह दान है चावल का दान, और शुभ होने वाले ग्रह हैं चंद्रमा और शुक्र। तो यहां से दो ग्रहों को हम साध रहे हैं, इन पर निशाना लगाया जा रहा है। किसी बर्तन में 1.25 किलो चावल ले लीजिए, गंगा जल का छिड़काव उस चावल पर आम के पत्ते से कर दीजिएगा। अब यहां पर प्रोसीजर को देखते जाएं आप, समझते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ देर के लिए घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में रख दीजिएगा इस चावल को, कुछ देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए वहां पर। फिर ले आए उस पात्र को जिसपे आपने 1.25 किलो चावल रखा है, अपने पूजन स्थान पर रख दीजिए, और बारी बारी से एक बार सभी महिलाओं से स्पर्श करवा लीजिए। स्पर्श कराने के बाद फिर ले जाकर के इसको शाम के समय पर सूर्यास्त के आसपास में गोधूली वेला में किसी जरूरतमंद को बर्तन सहित दान करना है। बर्तन को लेके ना आइएगा वापस, बर्तन सहित, पात्र सहित किसी सुपात्र को दान कर दीजिएगा। दो चीजों को ध्यान में रखिए, जब महिलाओं से स्पर्श कराएं, महिलाओं की शुद्धता की अनिवार्यता है, ये खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, और बड़ों का चरण स्पर्श करके ही लेकर के जाना है इसको दान देने के लिए। चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री संज्ञक ग्रह हैं, इसीलिए महिलाओं से हमने स्पर्श कराया। गंगा जल खुद माँ के रूप में माना जाता है, गंगा माँ है, इसलिए हमने महिलाओं से स्पर्श कराया, और यही दो ग्रह हैं जो स्त्री संज्ञक हैं, चंद्रमा और शुक्र। अब देखें हमने दो ग्रह को एकदम से साधा चावल से, आगे हम क्या सामग्री इस्तेमाल करेंगे और कौन से खास ग्रह संतुलित हो जाएंगे मकर संक्रांति की पावन वेला पर,
इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। हाँ, बच्चा अगर नहीं खाना खा रहा है तो किचन पिटारे का इंतजार जरूर करें। जी हाँ, तो ये सुनहरा मौका है आपके पास और इसका लाभ आप जरूर उठाएं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। बेखौफ चलता है ड्रोन का काला धंधा, बड़ा खुलासा पाक में डी कंपनी, देखिए सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति है आज, और जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया कि रात्रि 1 बजे जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आज दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज मकर संक्रांति पर दान स्नान और ध्यान का तो विशेष महत्व होता ही है, लेकिन अगर संध्या के समय में आप 4 विशेष दान करते हैं तो मानकर चलिए आपके जो 9 ग्रह जो हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी करवाना होता है, अच्छा या बुरा, ये ग्रह ही करवाते हैं, ये ग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि पहले दान यानी कि चावल को दान करने से आज संध्या में शुक्र और चंद्र आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। अब दूसरा दान कौन सा करना है, आइए जान लेते हैं। चलिए दूसरे दान की चर्चा करते हैं। दूसरे दान से हमारे 2 खास ग्रह मजबूत होंगे, संतुलित हो जाएंगे, और वो दोनों ग्रह हैं बुध और बृहस्पति, और दान है दाल का। दाल में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज की दाल, चना, मटर, मसूर, उड़द, अरहर, जो चाहे। दाल का दान आज के दिन 2 खास ग्रहों को संतुलित कर देगा और वो बुध और बृहस्पति। एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में 1.25 किलो दाल ले लीजिएगा, 1 किलो 250 ग्राम। कुशा से गंगा जल का छिड़काव करना, हमने पहले वाले में चावल में बताया था आम के पत्ते से, यहां पर हम बता रहे हैं कुशा से गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ देर के लिए घर के पूर्वी दिशा में रख दीजिएगा। बृहस्पति खास तौर पे पूर्व दिशा का स्वामी होता है, हर एक पंक्ति के पीछे गहन शोध और तर्क समाहित है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद पूजन स्थान पर रख दें, पूजन स्थान जो देवालय होता है वह भी बृहस्पति का ही वास होता है, वहां पर भी सामग्री को धूप दिखाइएगा, धूप बत्ती, आसमान वाला धूप नहीं, और दीपक
घी का दिया लेकर के उस सामग्री को आप एक बार ऐसे आरती कर लीजिएगा। इसके बाद घर के सभी सदस्य जितने भी हैं उनके सर से दक्षिणा व्रत वार लीजिए और ले जाकर के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को देना है, यहां पर यह शर्त अनिवार्य है। दाल का दान ब्राह्मण के लिए ही होता है, एक तरह से महाशुभ रहेगा। बाकी आप किसी अन्य को मदद के रूप में देना चाहें तो अलग विषय है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यह दाल आपको ब्राह्मण को देना है मंदिर में जाकर के। बृहस्पति और बुध की शुभता आपको अगले दिन से पता चल जाएगी। हाँ, अब बचे हैं हमारे 5 ग्रह और, कौन कौन सी सामग्री बची है ये भी हम बताएंगे। जी हाँ, और ये 5 ग्रह शांत होंगे और संतुलित होंगे सिर्फ 2 और दानों से। जी, तीसरा और चौथा दान कौन सा है संध्या समय में जो आपको करना है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें कॉल। जी, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्ते जी। हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मनीषा है, मैं पुणे से बोल रही हूँ। नमस्ते आचार्य जी। मनीषा जी, राधे। मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और सबसे क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो इसकी भी बधाई आपको, और बताएं क्या जानना चाहती हैं आप। मेरी तरफ से भी लाइव इंडिया को बहुत बहुत बधाई, और आचार्य जी को भी मकर संक्रांति बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खुशी थी, आज मेरा कॉल लगा है जी। मैं काफी टाइम से कॉल भी कर रही थी और मेल भी कर रही थी, और मैं आचार्य जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं लाइव इंडिया का प्रोग्राम बहुत टाइम से देख रही हूँ, तब से देखती हूँ जब आप रात को 12 बजे के उपाय बता देते थे। जी जी मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं आप इनके बारे में जानना चाहती हैं। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, वो इस साल 10वीं में है। जी बताएं उनकी जन्म तारीख। आचार्य जी, मेरे 3 सवाल है, और पहला सवाल तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं आप अनीशा। जी हाँ, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 2000। अच्छा, और हेलो, समय है 2:40 दोपहर का। और स्थान? स्थान है नागपुर। जी जी, करें प्रश्न कर लें। आचार्य जी, प्रश्न मेरा ये है कि मेरी बेटी इस साल 10वीं में है, तो उसका 10वीं का रिजल्ट कैसा रहेगा, 12वीं का एजुकेशन, और उसको मेडिकल में जाना है, और वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी करना चाहती है, तो उसके फ्यूचर के लिए उसका एजुकेशन में क्या मतलब सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा दूसरा सवाल है कि वो लॉ मैरिज करेगी या उसका अरेंज मैरिज होगा, इंटरकास्ट में होगा या कास्ट में होगा। जी मनीषा जी, देखिए 29 फरवरी 2000 मंगलवार का दिन फाल्गुन कृष्ण दशमी और मूल नक्षत्र है, महादशानाथ शुक्र हैं कुंडली में, तो खैर दम है इसमें दो राय नहीं। मेडिकल क्षेत्र इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा, हमारी तरफ से मेडिकल क्षेत्र में ही आप प्रोसीड करवाएं तो बेहतर है। दूसरी बात, शुक्र की महादशा है, चांचल्य इसके अंदर आ जाएगा, चपलता आ जाएगी, चंचलता आ जाएगी, उस पर आपको फोकस करना, क्योंकि महादशानाथ चर राशि में केतु के साथ बैठे हैं। बेटी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड रहेगी, महादशानाथ शुक्र केतु के साथ होने के कारण कंफ्यूजन की स्थिति इसके मस्तिष्क में सदैव बना रहेगा, आपको इसे मोटिवेट करते रहना होगा समय समय पर। प्रेम विवाह की निमित्त आपने प्रश्न किया है, 2-3 अफेयर्स ब्रेकअप होने के बाद अंततोगत्वा शादी पारिवारिक सहमति से ही होगी, यही अंतिम सत्य है। उपाय के तौर पर शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करवाना है, शुक्र की जैसी की महादशा चल रही है 2021 तक, और मांसाहार से कोसों दूर रहना है, सात्विकता ही अपनाइएगा, बेटी भी वही सात्विक आहार ग्रहण करे, और मंगलवार के दिन दान अनिवार्य है। किसी भी जरूरतमंद को कुछ अन्न का वस्त्र का दान हर मंगलवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़िया के हाथों से करवाती रहे, भाग्य उज्जवल रहेगा, शुभकामनाएं हमारी। जी हाँ, और अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है, दिन शुक्रवार है, सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक मध्याह्न वेला में, इस बीच शुभ काम नहीं करने चाहिए, काम बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, इसमें भी कुछ शुभ काम न करिएगा। जी हाँ, और शुभ काम करना ही है तो गुलिक काल में कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का, गुलिक काल। wow.
प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक, मतलब हम लोग गुली काल में ही चर्चा कर रहे हैं, गुली काल चल रहा है और कल का गुली काल रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। इसमें भी आप काम कर सकते हैं, काम आपको बनेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आचार्य जी देखते हैं कई बार परिवारों में दुख की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब घर में चोरी या लूट हो जाती है, एकदम से ही चोर जो है जो हमारी जमा पूंजी होती है चुरा कर ले जाता है। कौन से ग्रह ऐसा करवा देते हैं और परिवार में दोबारा इस तरह की घटना ना देखने को मिले, क्या उपाय होने चाहिए, ये तमाम जानकारियां कल सुबह 8 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सुबह 9:30 पर खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी ना खुलने वाला रहस्य। शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। वो जवाब ऐसे थे कि जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब तो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रिस्बेन वनडे में भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, ईशांत की प्लेइंग 11 में वापसी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन, राजधानी की सड़कों पर आज दौड़ेंगी ऑड नंबर की गाड़ियां। दिल्ली में कोचिंग की डायरेक्टर पर लेडी बाउंसर का अटैक, जमकर बरसाए लात घूंसे, कोचिंग पर कब्जे को लेकर पति पत्नी में चल रहा था विवाद, पीड़ित महिला ने पति पर लगाए पिटवाने के आरोप।
हरियाणा में अंबाला कैंट के पास से संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। आर्मी के जवानों ने दस्तावेज नक्शा समेत कई चीजें की बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। आतंकी मसूद अजहर की हिरासत पर सस्पेंस बरकरार। पंजाब प्रांत के मंत्री ने हिरासत में